मेरे बहन भाइयों, मैं आई हूँ आज आपके लिए। अंबर जी आपकी खिदमत में आज जो लेके आई है ना, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ना ही आपने ये टीवी पे देखी होगी रेसिपी, ना ही आपने किसी यूट्यूब पे देखी होगी। ये फर्स्ट टाइम पे मैं भी ट्राई करवा रही हूँ प्रवीण जी से। ये प्रवीण की जाती डिश है, तो इसमें बहुत सारे कमेंटों के साथ आपने बताना है या वाह या ना। ठीक है, तो हम इस इंतजार में रहेंगे वाह कितनी होती है या ना कितनी होती है। तो ये आपने जरूर आगाह करना है अपने कमेंट के साथ। बाकी आज जो डिश दे रहे हैं आपको वो है एक तो अफगानी पुलाव और दूसरी है माश की दाल। दो डिशेस इसलिए बना रहे हैं कि चावलों के साथ सालन का होना भी जरूरी। कोई लोग चावल नहीं खाते, रोटी भी साथ खाते हैं, इसलिए टू डिश आज तैयार करके आपको फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह जज के तौर पे पहले चेक करूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि परवीन पास हो गई। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अभी वीडियो में। बनाते बनाते रेसिपी दिखाते मैं आपसे बातें करती जाऊँ। ठीक है, ओके ठीक है। अभी परवीन आपके हाजिर हो गई है। ये जी आज मैं आपको अफगानी पुलाव की यखनी बताना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। ये मैंने चूल्हे पे पानी रख दिया है। ये एक किलो मैंने मटन डाल दिया है, इसमें बकरे का मटन डालने, चिकन डालने, बीफ डालने, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है और आपकी अपनी गुंजाइश के मुताबिक जो आप कर रहे। ये गरीब भी खाए अमीर भी खाए सबके लिए। ये सब सबज वो मैंने साबुत प्याज डाल दिया, साबुत प्याज वॉश करके डाल दिया, वॉश करके इसका छिलका निकालना के इसके छिलके के अंदर विटामिन होते हैं। ये मैंने अदरक का टुकड़ा सूट देता, कितनी डिफरेंट चीज मिली आपको। ये मैंने साबुत लहसुन जो है धो के उसकी एक गंडी डाल दी है। अब आ गई है गर्म मसाले की बारी। ये मैंने दालचीनी डाल दी है, ये मोटी इलायची है, ये लौंग, काली मिर्च और सफेद जीरा डाल दिया, गरम मसाला डन है। नहीं अभी नमक है ना, नमक का डाल दिया, ऐसा सुट देता नमक, एक चम्मच नमक का डाल दिया। चलो हाँ जी, लो जी ये जो यखनी हो गई तैयार। ये हमने ढकना उठा लिया, ये आ गया गोश, देखें किस हद तक गला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज्यादा गलाने से ना अच्छी तरह निकला दीजिए। हाँ, सीने का गोश, बकरे का हालस, बकरे का देसी गोश है, इस तरह गला होना चाहिए। ये हमारी यखनी होगी तैयार। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो ये बीच में सारा कुछ साबुत है, ये अब हम छान लेंगे। अब अगला मरला शुरू। तो जी लें, दूसरा प्रोसीजर शुरू हो गया। बिस्मिल्लाह, ये डाला ऑयल हमने, ये हमने डाला ऑयल। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं डालना होता हमने, इसलिए आजकल चावलों की शक्ल जरा अच्छी होनी चाहिए। चावलों की बिस्मिल्लाह, ये दो अदद प्याज चौथी ये डाल दिए। हाँ जी ठीक है जी, ये लो जी प्याज। अब इसको हम ब्राउन करेंगे। लो जी प्लीज, तड़का मसाला तैयार हो गया। हाँ जी, ये देखें ये शक्ल होनी चाहिए प्याज की, कितना खूबसूरत कलर, गोल्डन कलर है, ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो है ना कलर वो ज्यादा ब्राउन चावलों का नहीं होना अफगानी पुलाव का। ये गोश्त गला पड़ा है, ये मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। अब इसको दो तीन मिनट के लिए मैं इसको चम्मच चलाऊंगी। ये दो चम्मच मैंने दही जो है, ये गोश्त पुलाव के लिए बहुत अच्छा है, इसमें लाजमी दही डालना। ठीक हो गया, ये देखें गोश्त की कितनी प्यारी शक्ल है। इसकी ऐसी शक्ल होनी चाहिए। ठीक हो गया, अब इसमें भून लिया, अब मैं इसमें यखनी डालूंगी। ठीक हो गया,
उसने यकनी नाल मैंने कभी नाप के नहीं पानी डाला, मैं उस अंदाजे से डाल देती हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होता है। माशाल्लाह पुराना कुक है जी ये, आज पहले से नहीं बना रही, तो पुराना कुक इनके हाथ के तो खाने चाटते इनके मियाँ साहब भी। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ, ये अपने घर में खाने बना बना कर मजे मजे के, ये इस मसाले की खास चीज जो है ना वो ये है बादिया खटाई, इसको पंजाबी में ठूलवी कहते ने। आ गया तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, सफेद जीरा, नमक हसबे जरूरत। आज संडे है जी, संडे वाले दिन माशाल्लाह घर में आया के बहुत होता है, और किचन में भी खिलारे खिलूरे बिखरे होते हैं, कोई चीज़ बुरी लगे तो नेवर माइंड, बुरा नहीं मनाना, ठीक है, ओके। ये मीठी गाजरें जो बननी है, जो इस पुलाव की खास रेसिपी है अफगानी पुलाव की, ये एक चम्मच मैंने ऑयल डाल दी है, ये मैंने चार सब्ज इलायची डाल दी है, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे सोते कर लिया, चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपने ज़्यादा डालनी है या कम मीठा रखना है उस हिसाब से। ये मैंने मीठी गाजरें बनाने लगी हैं, ठीक हो गया। अब इसमें गाजरें, चलो ये मैंने इसमें जो गाजर मैंने काट के रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है, ये ऐसे अब इसको मैं थोड़ा सा बना लूँगी, ये देखें ऐसे हो जाए, इनको ज़्यादा जलाना भी नहीं है ताकि इन्होंने चावलों में भी पकना है, हो गया इसकी ये शक्ल होनी चाहिए गाजर की, ज़्यादा इनमें जलाना नहीं चाहिए, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यखनी मेरी तैयार हो गई है, इसमें अब ये मैं बासमती राइस डाल रही हूँ जो मैंने आधा घंटा पहले इन्हें भगो के रखा हुआ था, ठीक है, अभी ये इसमें मैंने शामिल कर दी है। एक एक दाना जो है ना वो भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, सारे चावल जो हैं इसके अंदर से निकाल के तो इसमें डालने चाहिए, रिजक को बड़े हफाजत से इस्तेमाल करें और खाएं, ज़ाया करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, रिजक बहुत मुश्किल से हासिल होता है। रहीम, ये इसमें आ गई गाजर जो मैंने अभी बना के रखी थी, ठीक हो गया, ये इसके अंदर गाजर है, इलायची है, सब कुछ मौजूद है, ठीक हो गया। ये मैंने जो प्याज ब्राउन करके रखा था वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी आए। अब ये इसमें आ गए जो छुहारे हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और ये कुछ काजू है वो मैंने डाल दिए हैं, ये मैंने किशमिश सुट दी है, ये मैं बादाम सुट देते ने, अब इसको 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो आहिस्ता चूल्हे पे। ये देखें जी कितनी प्यारी शक्ल है, और ये मेरा दम जो है रेडी हो गया, अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं डिश आउट कर रही हूँ कोई इसे, ये देखें जी कुछ बादाम, काजू और छुहारा मैंने काट के रखा हुआ था जो मैंने इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि इसकी लुक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत आए, पता चले जी ये अफगानी असल अफगानी पुलाव है। पुलाव को लग गया है दम, अब हम दूसरी रेसिपी आपको माश की दाल, वाइट माश की दाल डिफरेंट सी रेसिपी, अब उसकी तैयारी करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, कैसे बनानी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पहले कढ़ाई चूल्हे पे रख दी हुई है, वो गर्म हो गई है। अब इसमें मैंने दाल और पानी डाल दिया, मैंने बस इसके अंदर से निकाल लिया। तो एक भी दाना जो है दाल का वो बर्तन में नहीं रहना चाहिए। इसमें अब मैंने डाल दी, ये मैंने साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं, और इसमें अब मैंने डाल दिया हाफ चम्मच नमक डाल दिया। बस इसमें और कुछ नहीं डालना। नमक आप तेज कम कर सकते हैं। जो है इसकी ये शक्ल होनी चाहिए, दाना दाना अलग हो, ठीक है। इसकी वो ना ज़्यादा गलानी नहीं है, नहीं तो ये हलवा बन जाएगी। ये इसका चूल्हा बंद कर दिया और ये अब मैंने डिश आउट करने लगी हूँ। जी मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया। इसके में लाल गोल वाली तड़के में मिर्चें डाल दी हैं। ये मैंने 1 चम्मच जो जीरा निकालना था वो डाल दिया। और ये जो सब्ज़ मिर्च है ये मैंने इधर डाल दी। ये मैंने प्याज ब्राउन करके रखा था पहले, वो जो मैंने इसके ऊपर डाल के डाल दी है कि उसमें डालें तो फिर वो प्याज जो है ना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होता, ठीक हो गया। ये मैंने कुछ पत्तियाँ पुदीने की हैं जो मैंने तोड़ के रखी थी, वो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। अब ये देखिए मेरा ये तड़का तैयार हो गया। जीरा ज़्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए, गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो, नहीं तो फिर इसकी कड़वा हो जाता है। मिर्च भी ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल है। अब ये मेरा तड़का हो गया रेडी। ये अब मैंने डाल दिया है दाल के ऊपर। क्या बात है। तो ये ले जी, सारा कुछ हो गया डन। अब खाते हैं हम ट्राई के तौर पे, इसको मैं करती हूँ टेस्ट जज के तौर पे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं खा रही हूँ दाल माश वाइट दाल। बहुत डिफरेंट डिश, आप भी कभी बना के ट्राई करके। प्रवीण जी को आपने इतने कमेंट करने हैं, बेशक अच्छे करना बुरे करना वो आप छोड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्योंकि आप बुरे तब करेंगे ना अगर वो आपके म्यार पे नहीं पूरी उतरेगी। तो जब आपको वो पसंद आ जाएगी तो आप कैसे बुरे कर सकते हैं। ये तो मैं आपको छेड़ रही हूँ, अच्छे करेंगे आप, मुझे पता है। हम बस दुनिया में ऐसे गुस्ताख लोग नहीं करते, सारे अच्छे हैं। ये लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस पे डाली होती ग्रीन चटनी, ठीक है। इसके बगैर इसका मैचिंग नहीं बनती, इसके साथ इसकी मैचिंग ये बनती है, ठीक है। तो लो जी बिस्मिल्लाह। मैं खाने लगी इसके साथ देसी घी का पराठा, ठीक है। आप भी पराठे के साथ ही खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा नीचे उतने देना, बताती हूँ, हौसला करें। वाकई एक डिफरेंट चीज़ है, मैं भी शायद पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा खा रहा हूँ। बहुत मज़े की और बहुत डिफरेंट चीज़ है, मैंने ही पहले खाई और बहुत अच्छी है। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा और इनकी मेहनत का भरपूर इनको सिला मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम ये करते हैं थोड़ा साइड पे, इसको बाद में खाएंगे। अब मैं ज़रा थोड़ा सा अफ़गानी पुलाव ट्राई कर लूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, ये इसकी लुक देखें, ज़रा लुक देखें कितनी खूबसूरत है। देखने में दिल कर रहा है कि बस खा जाएं जल्दी से, टाइम ना लगाएं ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ें तो वैसे मुझे बड़ी पसंद है इस तरह की। ये मैं सादा खाऊंगी क्योंकि ये सादा ही अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। पठान ऐसे नहीं गोरे चिट्टे होते, बहुत इक्वल इसका मिर्च मसाला और बहुत मुनासिब।
यानी कि उसको बड़ा भी खाए छोटा चाइनीज का टच दे रहा है कि जैसे चाइनीज का टच नहीं होता आपको मिर्च मसाला तेज नहीं लगता आपको बहुत एक डिफरेंट सा टच आता है तो ये वो टेस्ट दे रहा है मुझे। तो लो जी प्रवीण मेरी तरफ से तो हो गई पास, अब आगे कहते हैं ना किताबों की गुठली कटली मेरे पास है, अगर पास कर दो तो क्या बात है। ये जी हमने तो किताबें पढ़नी है, अब आप लोग इस पर नंबर दें तो क्या कैसा बना, ठीक है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अपना अपना बहुत ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखा करें और दुआओं में मुझे ना भूला करें। और आप तो प्रवीण जी भी साथ हो गई हैं, आप दो दो दुआएं देना ज़रूरी हो गई, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।